नमस्कार, आज के श्रमिक मध्य न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आज के खबरों के साथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे ऑफ इंडिया ग्राउंड हाथी बड़कला देहरादून में आयोजित लखपति दीदी मेला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने श्रमिक मंत्र संवाददाता को बताया कि मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1,00,000 रुपए से अधिक आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को भी चेक प्रदान किए गए। श्रमिक मंत्र संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। आज एक बहुत शुभ दिन है, आप तुलसी एकादशी भी है, इगास बूढ़ी दिवाली भी है। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को तुलसी एकादशी की, इगास की और बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर आज लखपति जी योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ सीमा पर बैठे हुए जवान की चिंता करते हैं, देश के किसान की चिंता करते हैं, वहीं मातृशक्ति, या मैं कहूं कि समाज की पूरी धुरी मातृशक्ति की अदृत घूमती है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने जब भी संभालते ही कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा मानना है कि अगर एक माँ सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो पूरा समाज मजबूत होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा संकल्प है कि 25 तक हम जहाँ 1,36,000 बहनों को बनाएंगे, को हम लखपति बनाएंगे, और हमारी कोशिश होगी कि 2027 तक हम 100% महिलाओं को इसके दायरे में लाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार काम करती है। मंत्री जी, एक अहम सवाल आपसे कि आपने नाम दिया मुख्यमंत्री दीदी लखपति योजना, ये बड़ा हटके नाम दिया, ये कहाँ से आइडिया मिला? लखपति दीदी के नाम दिया आपने, बहुत हटके नाम दिया। नहीं देखिए, मैं लगातार क्योंकि अपने विभाग की समीक्षा करता रहता हूँ, और जब मैं एक कार्यक्रम में उधम सिंह नगर में था और वहाँ जब 1,001 से अधिक महिलाएं वहाँ पर थीं, तो मैंने उन धनु से पूछा कि आपको इस सरकार में कुछ अंतर नज़र आया, जो समूह के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की योजना का आप चरण कर रहे हैं, आपको क्या फ़र्क नज़र आया? तो उन बहनों ने कहा कि पहले अगर हमें अगर पैसे की आवश्यकता होती थी तो हम अपने पति की ओर देखते थे, अपने भाई की ओर देखते थे, अपनी माँ की ओर देखते थे, अपने पिता की ओर देखते थे, लेकिन आज हम जो काम कर रहे हैं, हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम 1,00,000 तक का खर्च कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात आई और आज इस योजना का शुभारंभ।